हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज काव्य भाग चैप्टर 8 नागार्जुन का अध्ययन करेंगे और शायद काव्य भाग में आपका ये लास्ट चैप्टर होगा। बस इसमें जो 5 चैप्टर आ रहे हैं उनमें ये लास्ट चैप्टर है। तो देखिए, सबसे पहले नागार्जुन का जीवन परिचय। इनका जन्म 1911 और मृत्यु 1998। हिंदी और मैथिली, मैथिली यहाँ पर भाषा के बारे में बोला है, जैसे हिंदी भाषा है वैसे ही मैथिली भाषा है। तो हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक, यानी जिसकी कोई प्रतिमा ही नहीं है, मतलब जिसकी कोई उपमा ही नहीं है, ऐसे लेखक और कवि नागार्जुन का जन्म बिहार राज्य के दरभंगा जिले के सतलखा गाँव में हुआ। उनका मूल नाम वेद निवास मिश्र था। इसको अंडरलाइन करेंगे आप, या दिखते रहता है। मूल नाम यानी उनका मुख्य नाम वेद निवास मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत, आरंभिक इन्हें शुरुआत की शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता गए। 1936 में लंका गए, लंका मतलब श्रीलंका, और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। मतलब इन्होंने वहां पर बौद्ध धर्म, जैसे हम हिंदू धर्म जैन धर्म, ऐसे इन्होंने बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने हिंदी साहित्य में नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की है। मतलब हिंदी में जो उन्होंने रचनाएं की उसमें तो इनका नाम नागार्जुन, नागार्जुन के नाम से इन्होंने हिंदी सब विषय में रचनाएं की, और मैथिली भाषा में जो इन्होंने रचनाएं की उसमें इनका यात्री नाम था, मतलब यात्री उपनाम से रचनाएं की है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गतिविधियों में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व, कृतित्व यानी जो उनकी रचना है, वो नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। उनको हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान, ये साहित्य के क्षेत्र में मिलने वाले पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार तथा बिहार के राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उनकी उपलब्धियों में आ जाएगा, नागार्जुन की विशेष उपलब्धियों में। सामयिक बोध से गहराई तक जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली है। मतलब समय का ज्ञान और गहराई से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं, और जिन कविताओं को पढ़कर मतलब आंदोलन वाली भावना उत्पन्न होती है, ऐसी कविताओं को अत्यधिक लोकप्रियता मिली है साहित्य के क्षेत्र में। इनकी कृतियां है युगधरा, सतरंगी पंखों वाली, हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियां, कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया, मिलिट्री का बोड़ा घोड़ा, तालाब की मछलियां, ये सब इनकी रचनाएं हैं। अब देखिए पाठ परिचय। पाठ परिचय मतलब इनकी 2 कविताएं हैं इस वाले चैप्टर में, तो दोनों कविताओं के बारे में इन्होंने इसमें लिखा है। तो सबसे पहले देखिए नागार्जुन की कविता कल और आज, जो इनकी कविता है इसमें उसका ये शीर्षक है कल और आज। उस कविता में क्या बताया गया है ये बता रहे हैं इसमें। तो ग्रीष्म की घोर तपिश ने गर्मी का मौसम और उसकी अत्यधिक तपन भरी दुरुता, दुरुता यानी मुश्किल के पश्चात वर्षा ऋतु के सहज और मनभावन आगमन का वर्णन करती है, जो इनकी कल और आज कविता है। तो एक दिन तो भरी गर्मी और उसी के बाद दूसरे दिन वर्षा ऋतु का आना, और वर्षा ऋतु के आ जाने के बाद सहज तरीके से मन भावन आगमन का, मतलब मन को भाने वाले समय का वर्णन करती है ये कविता। ग्रीष्म ऋतु के हताश एवं उदास, मतलब अत्यधिक गर्मी होती है तो उसमें हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, और मुख कृषक मतलब चेहरों किसानों के उदास चेहरे, धूल, स्नान करते हुए पक्षी वृंद माने पक्षियों का झुंड, मतलब मिट्टी में स्नान करते हुए सूखे खेतों का वीराना उजड़ापन, ये सब हमें अत्यधिक गर्मी में ही देखने को मिलता है। और बदरंग आसमान यानी ज्यादा गर्मी होती है तो आसमान एकदम साफ चिल मिलाता हुआ नजर आता है, जहाँ एक ओर समाज के सोपान पर
छूटे हुए अंतिम आदमी का प्रतिनिधित्व करता है। वहीं मतलब ये सारे बताया है उन्होंने कि ये सारे ऐसे महसूस होते हैं कि जैसे मतलब अब चरम सीमा हो गई है गर्मी की, कि समाज के सोपान मतलब समाज के पायदान पर एक अंतिम आदमी जो छूटा हुआ है उसका प्रतिनिधित्व करता हुआ महसूस होता है। मतलब ये सब चुनौतियों से जूझते हुए किसान वर्ग के बारे में वर्णन किया गया है। वहीं दूसरी ओर प्रकृतिगत चित्रण की सहजता को भी दर्शाता है, मतलब प्रकृति का चित्रण भी है इसमें। वर्षा ऋतु का आगमन परिवर्तन का संकेत है, जैसी वर्षा आती है गर्मी के बाद तो हमारे प्रकृति में भी परिवर्तन होगा, इस चीज का संकेत है। वर्षा के आगमन से प्रकृति रूपी सुकन्या, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है देखो, नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। मतलब जैसे गर्मी के बाद वर्षा आती है तो वर्षा की बूंदे छम छम की आवाज में ऐसे महसूस होती है जैसे कोई सुंदर कन्या नृत्य करती हुई प्रस्तुत हो रही है, या प्रकृति में जो भी परिवर्तन आते वे हमारे मन को अत्यधिक आकर्षित करते हैं। प्रकृति के समस्त उपादान यानी ये संसाधन, नदी पहाड़ तालाब बाग बगीचे, ये उपादान भी उसका साथ देते प्रतीत होते हैं। ऋतु चक्र का अत्यंत सजीव, ऋतु चक्र मतलब सर्दी आना फिर गर्मी आना फिर बरसात आना फिर सर्दी आना, ये जो ऋतुओं का चक्र चलता रहता है ये चक्र अत्यंत सजीव अंकन इस कविता की विशेषता है। मतलब इस ऋतुओं के चक्र का अत्यधिक जीता जाता वर्णन नागार्जुन ने इस कविता में किया है। ठेठ देशज उपादान का प्रयोग मुग्धधारी है, ठेठ देश मतलब देशी शब्दों का प्रयोग है, ये ठेठ ये देशी शब्दों का प्रयोग हुआ है इस कविता में। भाषा की दृष्टि से नागार्जुन का ठेठ देशी अंदाज मनोरम है। इस कल और आज कविता में कृषक वर्ग यानी किसान वर्ग की कठिनाइयों की ओर संकेत किया गया है। मतलब कवि ने जो ग्रीष्म ऋतु जो है उसको समाज के शोषित यानी जो समाज में जिन लोगों का शोषण होता है उन शोषित और अभावग्रस्त चुनौतियों से जूझते वर्ग का प्रतीक बताया है, मतलब गर्मी की ऋतु को, और वर्षा ऋतु को समाज में आए हुए सुखद परिवर्तन का प्रतीक बताया है इस कविता में। तो अब इसके बाद आएगी उषा की लाली, तो हम उसका भी ये पढ़ लेते हैं संक्षिप्त परिचय, उसके बाद ही मैं आपको ये कल और आज कविता समझाती हूँ। तो देखिए उषा की लाली कविता में कवि नागार्जुन का प्रकृति प्रेम सहज रूप में मुखरित हुआ है, मतलब बड़े ही आसान तरीके से इनका प्रकृति रूप प्रस्तुत हुआ है। उषा की लाली यानी सुबह की, सबसे पहले सुबह की सूर्य की जो लालिमा होती है उसका वर्णन है। शिशु रूप में उगते हुए, सूर्य जब सुबह सुबह शुरुआत में सबसे पहले उगता है तो उसको शिशु रूप बताया है। शिशु रूप उगते हुए सूर्य की अप्रतिम छटा मतलब अद्भुत छटा से कवि का मन अभिभूत हो जाता है, तथा उदय होते हुए सूर्य की केसरी आभा, जब सूर्य उदय होता है तो उस समय जो वो अपनी केसरिया रंग की किरणें आसपास बिखेरता है और जो लालिमा बिखेरता है उस आभा को जो कि हिमगिरी के मतलब यानी बर्फ से ढके हुए पर्वतों के स्वर्ण शिखर का आभास दे रही है। मतलब वो केसरिया रंग की आभा ऐसे लगती है कि जैसे हिमालय के जो ये बर्फ से ढके हुए पर्वत ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने के पर्वत हो, और से कभी दूर नहीं होना चाहता। तो उस प्राकृतिक सौंदर्य से कभी दूर नहीं होना चाहता, इस चीज का इसमें वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कल और आज कविता का अध्ययन करेंगे, तो आप सबसे पहले इस कविता को देखिए। कल और आज कविता, तो सबसे पहले इसमें ग्रीष्म ऋतु के तपन भरे परिवेश का वर्णन है यहाँ से यहाँ तक। तो मैं सबसे पहले आपको ग्रीष्म ऋतु वाला ही समझा देती हूँ। अभी कल तक गालियां देती तुम्हें हताश खेतिहार, खेतिहार यानी यहाँ पे किसान के लिए कहा गया है। अभी कल तक धूल में नहाते थे गोरैया के झुंड,
गौरैया एक घरेलू चिड़िया है और अभी कल तक पथराई हुई थी धनहर खेतों की माटी। धनहर यानी धान के, धान यानी जो अनाज उगता है ना वो। अभी कल तक धरती की कोख में, कोख यानी गर्भ में दुबके पड़े थे मेंढक, दुबके यानी छिपे हुए। अभी कल तक उदास और बदरंग था आसमान। ये कल तक की बात है कि मतलब कल तक जब गर्मी थी, ग्रीष्म ऋतु थी और तपन भरा परिवेश था, तो कल तक ये सब कुछ था। मतलब किसान गालियां दे रहे थे, गौरैया पक्षी ये जो धूल में नहा रहे थे और मतलब लोगों की आंखें उस सूखी धरती को देख रही थी और मेंढक जो थे वो धरती की कोख में छुपे पड़े थे और आसमान उदास और बदरंग था। ये सब कुछ कल तक था। कल तक मतलब ग्रीष्म ऋतु जब चरम सीमा पर थी। तो सबसे पहले देखिए इसका आप संदर्भ देखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज चैप्टर 8 नागार्जुन द्वारा रचित कविता कल और आज से लिया गया है या अवतरित है। अब इसका प्रसंग देखिए आप। इस अंश में कवि ने वर्षा के आने से पूर्व, मतलब बारिश के आने से पहले दिखाई पड़ने वाली गर्मी का जो दृश्य है उसका सजीव चित्रण किया है। मतलब वर्षा आने से पहले जो भरपूर गर्मी है उसका जो दृश्य है उसका चित्रण किया है। कहने का मतलब ग्रीष्म ऋतु में तपन भरे परिवेश का वर्णन किया है। तो देखिए कवि कहता है कि, कवि मतलब भगवान को संबोधित करते हुए कहता है या प्रकृति को संबोधित करते हुए कह रहा है कि कवि स्वयं संबोधित कर रहा है ईश्वर को कि इस मनोहारी वर्षा के आगमन से पहले, मतलब वर्षा आने के पहले यानी अभी कल तक आने से पहले भीषण गर्मी से निराश किसान खेती को सूखती देखकर तुम्हें कोस रहे थे, मतलब गालियां दे रहे थे। मतलब कवि ईश्वर से कह रहा है कि अभी कल तक, जब वर्षा नहीं आई थी उससे पहले कल तक किसान अपनी सूखी खेती को देखकर और निराश मन से तुम्हें कोस रहा था, गालियां दे रहा था। मतलब किसको? ईश्वर को या प्रकृति को। अभी कल तक मतलब हताश खेतिया निराश किसान। वर्षा के आगमन की सूचना देती हुई गौरैया चिड़िया धूल में नहा रही थी। और अभी कल तक, जब वर्षा नहीं आई थी उसके एक दिन पहले तक, ये जो गौरैया जो चिड़िया होती है ये धूल के झुंड में नहा रही थी। तो उससे हमें यह आभास होने लग जाता है कि कल अब बारिश आने वाली है, तो ये उसका संकेत दे रही थी। अभी कल तक पथराई हुई थी धनर खेतों की मिट्टी। कुछ दिन पहले धान उगाने वाले खेतों की मिट्टी, मतलब ये जो खेत है जिसमें अनाज उगता है, ये खेतों की जो मिट्टी है ये भीषण गर्मी से सूख कर पत्थर जैसी कठोर हो रही थी। और आज इधर से उधर फुदकते और टर टर की ध्वनि से रातों को गुंजाने वाले जो ये मेंढक है ये धरती के अंदर जाकर छिपे हुए थे। इतनी भयानक गर्मी थी कि ये भी धरती के अंदर जाकर दुबक कर बैठ गए थे। और आज का यह मेघों से घिरा हुआ, मतलब बादलों से घिरा हुआ जो ये आकाश है, कुछ दिन पहले वीरान उदास और फीका फीका दिखाई दे रहा था, मतलब बदरंग जिसका कोई रंग नहीं था दे रहा था। किंतु वर्षा के आते ही सारा दृश्य बदल गया है। तो ये वर्षा न आने से एक दिन पहले ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, मतलब अभी कल तक और अब आज, यानी वर्षा ऋतु का वर्णन आएगा। अब देखिए अब आज क्या होता है, ये कल तक तो गर्मी थी, गर्मी में ये हाल हो रहा था और अब आज, आज वर्षा आ चुकी है। तो देखिए, और आज ऊपर ही ऊपर तन गए हैं तुम्हारे तंबू, और आज छमका रही है पावस रानी। पावस यानी वर्षा और तंबू यानी होता है डेरा शिविर, कपड़ों के तंबू तानते ना वो। यहाँ पे तंबू को बादल के अर्थ में लिया है। छमका रही है पावस रानी, पावस यानी वर्षा, बूंदा बूंदियों की अपनी पायल,
बूंदा बूंदी है यानी वर्षा की बूंदों की जो आवाज होती है ना उसके लिए कहा। और आज चालू हो गई है झिंगुरों की शहनाई। झिंगुर एक छोटा सा बरसाती कीट है जो बरसात में मतलब बिना रुके बोलता ही रहता है। और शहनाई मुंह से बजाने वाला एक बाजा है। लेकिन यहाँ पे जो झिंगुर की जो आवाज उत्पन्न होती है उसके रूप में इसको शहनाई को बताया गया है। मतलब कहने का मतलब ये कि यहाँ झिंगुर द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ध्वनि के अर्थ में इस शहनाई को लिया गया है। और आज जोरों से कूक पड़े नाचते थिरकते मोर। तो देखिए इसमें वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है तो इसका संदर्भ तो वही रहेगा। प्रसंग इसमें यही है कि वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है। मतलब इसमें वर्षा ऋतु के आने से प्रकृति में जो परिवर्तन हुए उन दृश्यों का जीता जागता वर्णन कवि अपनी कविता में कर रहा है। तो देखिए अब क्या कहता है कवि। और आज मतलब कल तक तो ये गर्मी थी, अब आज देखिए ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा के आते ही मतलब अत्यधिक गर्मी के बाद वर्षा ऋतु के आते ही ये जो प्रकृति है हमारा इसका सारा दृश्य बदल गया, मतलब सारा रूप परिवर्तन हो गया। कल तक वीरान और बदरंग लगने वाले बादल आसमान में अब बादलों के तंबू तन गए थे। कल तक बिल्कुल सूखे उदास बदरंग बादल थे लेकिन आज काले काले बादल छा गए। जगह जगह पर बादलों के तंबू तन गए हैं। और सांवले सलोने यानी काले हो जाते ना जब बारिश चढ़कर आती है तो सांवले सलोने बादलों ने किसानों के उदास चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी है। और इस वर्षा के आने से आने की खुशी में जो ये वर्षा रानी है पावस रानी है ने ये वर्षा रानी अपनी छमाछम बरसाती बूंदों की पायल बजाते हुई नृत्य कर रही है। मतलब बारिश की बूंदे छम 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 गिर रही है तो ये ऐसे नृत्य करती हुई प्रतीत हो रही है। और गर्मी के सन्नाटे भरी जो रातें, भाई गर्मी में तो सन्नाट भरी रात होती है, जो रातें हैं वो अब झिंगुरों की इस शहनाई भरी आवाज से गूंज रही है। यह वैसा ही है जैसे पावस के स्वागत में सैकड़ों संगीतकार शहनाइयां बजा रहे हैं। मतलब ये दृश्य ऐसा है जैसे वर्षा ऋतु के आने पर सैकड़ों संगीतकार शहनाइयां बजा रहे हैं, मतलब झिंगुरों की जो आवाज है। और वर्षा के आने पर जोर शोर से खुशी के साथ कोयल और मोर नाचते और कूकते थिरकते नजर आ रहे हैं। देखिए इसमें ये जो ऊपर ही ऊपर और ये जो तंबू है इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर ऊपर ही ऊपर और ये तंबू में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये पावस रानी और बूंदा बूंदियों की पायल और ये झिंगुरों की शहनाई यहाँ पर भी रूपक अलंकार का प्रयोग बड़ा ही मनोरम किया गया है। और इसमें मानवीकरण अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अब देखिए ये भी इसका ये वर्षा ऋतु का जो के बाद जो परिवर्तन आया उसी का ही, बस इसमें दो ही पैरा है मतलब दो ही पद है, एक वर्षा के एक दिन पहले का और एक वर्षा ऋतु के आने का, बस दो ही है। तो वर्षा के एक दिन पहले का मतलब गर्मी कल और आज यानी वर्षा आ गई तो उसके बाद जो परिवर्तन हुआ उसका। तो देखिए अब और आज आ गई है वापस जान दूब की झुलसी शिराओं के अंदर। दूब यानी ये घास, एक घास का नाम है। और शिराओं यानी नसे होती है ना, जैसे हमारे अंदर नसे होती है वैसे ही उस धूप यानी उस घास के अंदर जो नसे होती है वो नसे, वैसे तो अपने अंदर जो नसे होती है उनको कहते हैं रक्त ले जाने वाली नाड़ियां। और आज विदा हुआ चुपचाप ग्रीष्म समेटकर अपने लाव लश्कर यानी अपने सामान सेना तामझाम ये सब। वर्षा के आने पर तो ग्रीष्म अपना तामझाम ले जाके चला ही जाएगा ना। तो देखिए इसमें इसका वही है संदर्भ और प्रसंग ये है कि धूप की गर्मी से झुलसी हुई मतलब प्रकृति और जीव जगत में आए परिवर्तनों का वर्णन किया गया है। तो देखिए
कवि कहता है कि कल तक ग्रीष्म ऋतु से उजड़े और उदास जो वन थे, जो प्रकृति थी, वह अब मोर और कोयल की ध्वनियों से गूंज रही थी और अपने प्रिय घनश्याम मतलब के आकाश में छा जाने पर मोर मस्त होकर नाच रहे थे। घनश्याम यानी काले बादल के छा जाने पर मोर नाच रहे थे और जिस धूप की कोमल काया, मतलब ये जो नाजुक नाजुक घास होती है ना, इसकी जो नाजुक नाजुक इसकी जो काया होती है, और गर्मी के कारण झुलस गई थी, बिल्कुल मुरझा गई थी, उसके ऊपर की शिराएं मैंने उसके ऊपर का सबसे तीखा हिस्सा वो झुलस गया था, वही वापस आज वर्षा की बूंदे पड़ते ही उसके अंदर फिर से रक्त संचार हो उठा, मतलब वापस उस धूप में जान आ गई है और वो वापस हरी भरी हो गई है। और अपने उत्ताप से सारे जगत को तपा देने वाली जो ये गर्मी है, वो वर्षा के आते ही अपनी सारी सेना ताम जाम समेट कर चुपचाप खिसक ली, यानी चली गई, और वर्षा से हार कर गर्मी लज्जित होकर इस संसार से विदा हो गई। कहने का मतलब वर्षा ऋतु आने पर ये प्रकृति में ये परिवर्तन हुए हैं। यहाँ पर और आज और लाव लश्कर में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है।